मैनू बड़ी हैरानी हुई कि सारे सुखनी साहब दे विच ये श्लोक पहला तो नहीं आया। ये 24वां श्लोक है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया कूड़े के गुण गाओ। फिर गुरु जी कहने कूड़े गुर का सुन उपदेश सुन लिया पार ब्रह्म निकट कर पेख। तो गुरु के बचन सुनेगा पार ब्रह्म निकट देखेगा। अगे की है सास सास सिमरो गोबिंद एदा पाओ गुरु अर्जन साहब 24,000 अखरां दी स्वासवा सफला कराए। साडा पता सी इस पेज दा सास सास सिमरो गोबिंद। बाबा जी की हो जूगा कहते मन अंतर की उतरे चिंत आस अनित त्यागो तरंग संत जना की। इस संत नु बड़ा अगे रखिया बाबा जी ने। ते मैं हरदीप नु देखा भी संत जेड़ा संत है ना संत मां दे कुखों पैदा नहीं होंदा। संत पिता दे बिरज नाल नहीं बनदा। सच दी संगत कर करके भाई गुरदास ने तो सचखंड नु ही संगत कहा है। साध संग सचखंड है। खंड दा अर्थ पता की होंदा जे उत्तराखंड है एक टुकड़ा है उत्तर दा टुकड़ा ते कई खंड ने जहार खंड है। सच खंड जिसे सच की गल हुंदी है सच का टुकड़ा है। कहिंदे सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग। तू अनित रोज आस नवी करके बहे ना। एक गल होर है तुसी तो ध्यान दो भी जेड़ा बंदा वाहिगुरु करदा है ना वाहिगुरु वाहिगुरु जे वो अपना काम ही कला करी जाए वो तो सारे सड़ना शुरू कर देंगे है। तू कामयाब हो जा ज्यादातर लोग तेरे लगन वाले ना वो तेन ए कहने 2 नंबर का पैसा है इन्ना थोड़ी आ सकता है तेरे को। सारे दूर भजन लग जाते हैं जो दुख नेड़े आते हैं सारे दूर चले जाते हैं। कामयाबी ज्यादा कर लेता बंदा फिर भी बंदे दूर चले जाते हैं। मध्यम अवस्था के हर बंदा तेरे नाल रहूगा। अगली की अवस्था है जल तू वाहगुरु वाहगुरु करेगा ना एक बारी से तो कला हो जाएगा। जो वाहगुरु की रसना तेरे ते वर्तन लग पे ना सारी दुनिया तेरे आले दुआले इकट्ठी होनी शुरू हो गई। पहला तू वाहगुरु शुरू करेगा सब तेरे ते ईर्खा करेंगे बिकी सारा कम छड़ के तू वाहगुरु वाहगुरु कर दें। जो वाहगुरु सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंत आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग। ते बाबा जी मैं की करा कहते पहली गल पक्की कर ला मैं कुछ भी नहीं है। आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तुर मन मंग। अगे आप छोड़ बेनती करो आप नु छड़ दी मैं कुछ कर सकता। साध संग अगन सागर तरो। बाबा जी पैसा भी चाहिए कहते हर धन के पर लियो भंडार। नानक गुरपुरे नमस्कार। पर बाबा जी ये परीक्षा आती है वार वार मरदे हाँ की करिए सानू दुखिए नू कूड़ प्यारा बाबे को जाना पैंदा ना। बाबे कहते पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा ते साच परीक्षा। एक गल होर बंदा जेड़ा सुखी जेड़ा आप कहने वो पापी बड़ा है उन्होंने फिर भी परमात्मा ने भाग लाए। ते जेड़े आपां ते सच दे मार्ग ते चलने वाला बंदा दुखिया रोंदा रहिंदा क्यों। तुसीं देखी होने पिछे तस्वीर आई सी एक उहदा भाव समझण वाला सी। एक दरखत सी दरखत दे मुढ़ नूं सुंड पा ली हाथी ने दरखत हिलाउण लग पिया। दरखत ते बंदा बैठा सी वह डिग गया डाणी नूं हथ पै गया उहदा पै गया डाणी नूं हथ। हुण हाथी हिलाउंदा है डाणा हिलदा किन्ना चिर पड़ के रखूगा उहनां ने। ते जिस डाणे नूं उह लमक के खड़ा सी मनुख उस डाणे नूं चूहे कुतर रहे सी। तो फोटो च आया उस तो तत्त भाव समझिए ते वो जिहड़ी डाणी सी डाणी नूं एक काला चूहा एक चिट्टा चूहा वो दोनों जिहड़े चूहे सन वो डाणी नूं कुतर रहे सन। इहदा मतलब हाथी जिन्ना मर्जी हिलावे ना हिलावे चूहे जिहड़े ने कुतर कुतर के इहनूं सुट्टी देणगे। हुण बंदा को थले डिग के बंदा बच जूगा नहीं बच सकदा क्योंकि थले पाणी सी पाणी सप सी। हाथी हिला रहे है हाथी हिला रहे हैं वो डाणी हथ च है। डाणी लंबे समय जे पकड़ना भी चाहे फिर काला ते चिट्टा चूहा उन्हों खोत खोत रहे हैं। ते विच्चों नाम जपने वाले कहिंदे परमात्मा का नाम जप तेनों बचा लेने। वो कहिंदा नहीं मैं अपनी चतुराई नाल बच जूंगा।
ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚੂਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਆਓ ਦੇ ਘਟਾਏ, ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚੂਹਾ ਡਾਣੀ ਕੁਤਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਮਕ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਡਾਣੀ ਖਾ ਗਏ, ਤੂੰ ਡਾਣੀ ਛੱਡ ਨਾ ਛੱਡ, ਡਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸਮੇਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਾ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸਮੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਇਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।